हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे PP4056 बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल। ये जो बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है दोस्तों, ये कैसे वर्क करता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है और ये कौन कौन सी बैटरी को चार्ज करेगा, ये मैं आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और दोस्तों, ये चार्जिंग मॉड्यूल आपके मोबाइल चार्जर से ही कनेक्ट हो जाता है और आप इससे कोई भी बैटरी को अपने मोबाइल चार्जर से ही आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो मैं इसके कुछ पार्ट्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं दोस्तों। यहां पे आप माइक्रो यूएसबी पोर्ट देख रहे हैं, जिससे आप इसे मोबाइल चार्जर से आसानी से चार्ज कर सकते हैं, या फिर इसके दोनों साइड में आप जो पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ से आप 5 वोल्ट का सप्लाई दे के आराम से इसे चार्जिंग कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 2 LED इंडिकेटर लाइट दिया गया है। जब आप इसमें बैटरी चार्ज पे लगाओगे तो यहाँ रेड रंग का LED इंडिकेट करता है, और जब आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो ये ऑटो ऑफ होके इसमें ग्रीन लाइट जलने लगता है। और दोस्तों, इस चार्जिंग मॉड्यूल में 3 IC यूज़ किया गया है। इसमें जो सबसे पहला IC है वो TP4056 IC है। ये आपका ओवर चार्जिंग से बचाता है, जिससे आपका बैटरी ओवर चार्ज ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 IC और यूज़ किया गया है। इसमें 1 IC आपका जो बैटरी प्रोटेक्शन IC है, और दूसरा IC जो है दोस्तों, वो ओवर डिस्चार्ज आपका बैटरी को नहीं होने देता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे B+ और B- दिया गया है। यहाँ पे हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे, और ठीक इसके बगल में Out+ और Out- है, यहाँ से हम लोग बैटरी का आउटपुट लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें अब हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं अच्छे से, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये चार्जिंग मॉड्यूल प्रॉपर ढंग से काम करता है कि नहीं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी नया से नया वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो यहाँ पे हमारा बैटरी का चारों टर्मिनल दिया गया है इस चार्जिंग मॉड्यूल में, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग कर दे रहे हैं, ताकि हमारा जो वायर है आगे जाके अच्छे से इसमें सोल्ड हो सके। दोस्तों, ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है, ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जिंग मॉड्यूल है। इसमें आप 5 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट तक इसका इनपुट दे सकते हैं, और इसमें आप 5 वोल्ट से नीचे का कोई भी लिथियम आयन बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। और इस चार्जिंग मॉड्यूल का सबसे अच्छा खासियत ये है दोस्तों, कि ये आपके बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देता है, और आपके बैटरी को शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जिससे ये डर ख़त्म हो जाता है कि आपका बैटरी बाद में हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सके या फिर उसमें आग लग सके। तो ये चीज़ का टेंशन इसमें नहीं है दोस्तों, ये ऑटो ऑफ कर देता है आपका बैटरी जब भी फुल चार्ज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं इसमें बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूँ, और जब भी आप इसमें बैटरी कनेक्ट करें तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, कि जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका नेगेटिव टर्मिनल है, वो प्रॉपर ढंग से उसके जगह पे लगना चाहिए। अगर आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल को अलग अलग कर दोगे तो दोस्तों, आपका बैटरी ख़राब भी हो सकता है, या फिर आपका चार्जिंग मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप पूरा क्लियर यहाँ पे देखिए, कि मैंने जो इसका वाइट वायर है, ये हमारा पॉजिटिव का वायर है जो मैंने B+ में कनेक्ट किया है, और जो हमारा ब्लैक वायर है, ये हमारा नेगेटिव का वायर है, जिसे मैंने B- में कनेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों, मैं Out+ में एक वायर कनेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा पॉजिटिव का वायर है, और एक Out- में एक वायर कनेक्ट करूँगा, जो हमारा नेगेटिव का वायर है। इससे हम इस बैटरी का आउटपुट लेंगे, और इससे आप कुछ भी चीज़ को बैटरी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कनेक्शन इसका पूरा कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको इसका कनेक्शन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अभी मैं इसे आपको चार्ज करके दिखाऊंगा कि हमारा बैटरी कैसे चार्ज होगा और इसमें कैसा इंडिकेटर लाइट जलेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका बैटरी चार्ज होगा तो इसमें रेड रंग का इंडिकेटर लाइट जलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें अभी रेड रंग का इंडिकेटिंग लाइट जल रहा है। और दोस्तों, मैं इसमें आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी करके दिखाऊंगा, कि अगर आपका बैटरी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये मॉड्यूल आपको बैटरी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, और ख़ुद भी अपने आप को कैसे ये प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे हमारा रेड रंग का लाइट जल रहा है, और जब मैं इसे शॉर्ट करूँगा दोस्तों, तो ये रेड रंग का लाइट बंद होके इसमें ग्रीन रंग का लाइट जलने लगेगा, मतलब ये ऑटो डिस्चार्ज हो जाएगा और ऑटो कटआउट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने दोनों वायर को शॉर्ट किया तो हमारा ये चार्जिंग मॉड्यूल ऑटो कटआउट कर दिया हमारे बैटरी को, जिससे हमारा बैटरी शॉर्ट सर्किट से बच सके। नहीं तो दूसरा बैटरी क्या होता है दोस्तों, आप जैसे उसका दोनों टर्मिनल को टच करोगे तो बैटरी हमारा ओवरहीटिंग होने लगता है, और थोड़ी देर के बाद उसमें आग लग जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन हमें इस चीज़ से बचाता है। और दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था कि हमें बैटरी का आउटपुट इस चार्जिंग मॉड्यूल से ही मिलेगा। तो जैसे मैंने 2 वायर को कनेक्ट करके रखा था चार्जिंग मॉड्यूल से, एक ग्रीन वायर और एक ब्लू वायर को, तो ग्रीन वायर हमारा नेगेटिव का वायर था और ब्लू वायर हमारा पॉजिटिव का वायर था। तो आप जैसे देखिए,
कि जैसे मैं इसे टच करूंगा तो हमारा ये बैटरी, ये एलईडी लाइट जलने लगा, मतलब ये हमारा बैटरी का आउटपुट हुआ दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल है, तो जब भी आपका बैटरी फुल होगा तो ये अपने आप इसे ऑटो कटआउट कर देगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैं बहुत देर से इस बैटरी को लगा के रखा हूँ, और मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे फुल होने के बाद ये ऑटो कटआउट कर देता है। देखिए दोस्तों, अभी हमारा ये ग्रीन लाइट इंडिकेट करने लगा, मतलब हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया। तो दोस्तों ये हमेशा आपके बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।